पाकिस्तान को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा संदेश। पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को दो टूक। पाकिस्तान भले ही दुनिया भर में कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाने में जुटा है, लेकिन भारत की नज़र अब उसके कब्जे वाले कश्मीर पर है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही भारतीय नेताओं के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार 2 के 100 दिन पूरे होने के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर जो बयान दिया, उसे पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। जयशंकर ने दो टूक कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही पीओके भारत का भौगोलिक हिस्सा होगा। वहीं धारा 370 को लेकर भी एस जयशंकर ने कहा कि ये द्विपक्षीय नहीं बल्कि आंतरिक मुद्दा है। पाकिस्तान को यूनिक चैलेंज करार देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हमें एक पड़ोसी देश से यूनिक चैलेंज मिलता है। पाकिस्तान के साथ तब तक रिश्ते नहीं ठीक होंगे जब तक वो देश एक सामान्य पड़ोसी नहीं बन जाता है और सीमा पार आतंकवाद पर रोक नहीं लगाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा एक ही मुद्दा है, पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है और अपनी इस नीति में बदलाव नहीं कर रहा है। पाकिस्तान खुलेआम अपने देश में पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, जब तक वो आतंक को खत्म नहीं करता कोई बात नहीं होगी। इस दौरान विदेश मंत्री ने पाक जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जाधव का हाल जानना, जाधव से मिलने का मकसद उनके अधिकार दिलाना था। हम एक निर्दोष शख्स को उसके देश वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान से बात कश्मीर पर नहीं बल्कि सिर्फ पीओके पर ही होगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा था कि हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है। इसके अलावा सेना प्रमुख बिपिन रावत भी साफ कर चुके हैं कि जिस दिन सरकार का इशारा हो जाएगा पीओके हमारा हो जाए। जाहिर है कश्मीर पर दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान के लिए भारतीय नेताओं के ये बयान उसके जले पर नमक छिड़कने जैसा है। इंडिया न्यूज़ भारत की रिपोर्ट।